हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है मार्चू, आप देख रहे हैं पावर ऑफ द फैक्ट, लेट्स टॉक सिनेमा। आज मैं मूवी रिव्यू करने वाला हूँ बर्ड्स ऑफ प्रे का। वेल, इस मूवी का नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बर्ड्स ऑफ प्रे एंड द फैंटेबुलस एमेंसिएशन ऑफ वन हार्ली क्विन, ये शायद तक नाम है इस मूवी का पूरा। अब इस मूवी में क्या है एक्चुअली, अगर आप लोगों ने सुसाइड स्क्वाड देखी है तो सुसाइड स्क्वाड में जो हार्ली क्विन थी वो जोकर के साथ थी, लेकिन इस मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि हार्ली क्विन जो है वो जोकर के साथ ब्रेकअप हो गया है उनका। अब हार्ली क्विन खुद अपनी सेल्फ पे हैं, वो जो भी करेंगी अब वो खुद ही कर सकती हैं, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे बर्ड्स ऑफ प्रे आते हैं, यहाँ पे हमको पहली बार हंट्रेस देखने को मिल रही है बिग स्क्रीन पे, हमको पहली बार ब्लैक कैनरी को स्क्रीन पे देखने का मौका मिल रहा है, हम पहली बार ब्लैक मास को ऑन द बिग स्क्रीन देख रहे हैं। बैटमैन के कुछ विलन जो हैं, ब्लैक मास्क आई गेस सबसे बड़ा विलन, यहाँ पे जो चीज़ की कमी थी वो थी जोकर की। जोकर अगर इस मूवी में कैमियो भी करते जारेड लीटो तो आई गेस वो चीज़ बहुत अच्छी होती, उस चीज़ को नहीं बताया गया। इसके अलावा मूवी ओवरऑल कैसी है वो अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टोरी की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी की स्टोरी अच्छी है, बहुत बेहतरीन तरीके से बताया है। यहाँ पे हार्ली क्विन जो है, हम जानते हैं हार्ली क्विन कैसी हैं, वो दिमाग से थोड़ी सी पागल हैं, वो इस मूवी में कहानी सुना रही हैं, तो आप एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि वो कहानी बहुत ही लीनियर वे में सुनाएगी। उसको जो याद आएगा वो कहानी वो सुनाएगी, वो इंसिडेंट्स वो सुनाएगी, वैसी ही ये मूवी है। जब जो स्टोरी उनको याद आती कि अच्छा ये बताना था ये बता देती हूँ, ओ मैं ये भूल गई चलो वापस चलते हैं वहाँ से मैं वापस बताती हूँ, दैट काइंड ऑफ स्टोरी इट इज़। जो स्टोरी मेन थी वो ये थी कि ब्लैक मास को एक डायमंड चाहिए होता है, वो डायमंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, अगर वो पा लेता तो वो गॉथम पे राज करता। अब हार्ली क्विन को वो टास्क देता है कि डायमंड ढूंढ के लाओ, वो डायमंड होता है एक बच्ची के पास, बच्ची निगल जाती है उस डायमंड को, तो ये स्टोरी थी। अब किडनैप हो जाती है वो बच्ची, उस बच्ची को बचाने के लिए हार्ली क्विन लड़ती है और ब्लैक कैनरी और हंट्रेस और एक पुलिस वाली थी, वो लोग टीम अप करते हैं और इस चीज़ को यू नो छुड़ा देते हैं ब्लैक मास्क को मार के। ये एक स्टोरी थी। स्क्रीन प्ले की अगर बात करें तो स्क्रीन प्ले बहुत अच्छा है, काफ़ी ह्यूमरस है। डीसी मूवीज़ जो है वो जानी जाती हैं उसकी डार्क साइड के लिए, ये मूवी उससे थोड़ी अलग थी। जो डीसी अब धीरे धीरे करने लगा है, सुसाइड स्क्वाड देख लो, अगर हम बात करते हैं वंडर वुमन वॉज ओके, लेकिन शेजैम वॉज अ वेरी फनी एंड गुड मूवी। उस संदर्भ में अगर मैं कहूँ तो बर्ड्स ऑफ प्रे वॉज अ गुड मूवी, काफ़ी ह्यूमरस थी, बहुत सारी चीज़ें हैं हार्ली क्विन की वजह से जो है ये मूवी को देखने जाएंगे लोग, वो कैरेक्टर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, उन एक्टर की फ़ैन फॉलोइंग बहुत है, तो मार्गरेट रॉबी जो है वो बड़ी ही कमाल एक्ट्रेस हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग की वजह से ये इंडिया में भी उतनी चल सकती है मूवी। मैंने बात करी स्क्रीन प्ले की, इसके अलावा अगर मैं डायलॉग्स की बात करूँ तो इस मूवी के डायलॉग्स भी बहुत बढ़िया है, बहुत सारी म्यूज़िक को लिया गया है इस मूवी में, तो एक म्यूज़िकल अगर कह सकते हो तो एक म्यूज़िकल भी है। ये टिपिकल डीसी कॉमिक्स या टिपिकल सुपर हीरो मूवी नहीं थी, इट वॉज़ जस्ट अ डीसी कॉमिक्स मूवी जिसमें बहुत सारे जो कैरेक्टर्स हैं सुपर कैरेक्टर्स जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, सुपर पावर्स हैं, वो आते हैं, वो दिख रहे हैं इस मूवी में। तो अगर इसको अगर आप सुपर हीरो मूवी देखोगे तो सुपर हीरो मूवी नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी मूवी है। यहाँ पे हार्ली क्विन के साथ क्या हुआ था वो भी बहुत शॉर्ट में बताया जाता है। इसके अलावा अगर सिनेमेटोग्राफी की बात करिए तो गॉथम सिटी को बहुत अच्छे से नहीं बताया गया है, उस गॉथम सिटी में बहुत कुछ होता है, इट्स अ मूवी जहाँ पे बैटमैन का जिक्र बिल्कुल नहीं हुआ है, हालांकि हार्ली क्विन के पास एक फॉक्स होता है, आई थिंक फॉक्स ही रहता है या डॉग रहता है कुछ तो रहता है, उसका नाम वो ब्रूस रखती है।
तो बैटमैन का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं दिखा गया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो फ्यूचर बैटमैन मूवी से इस मूवी को कनेक्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक्टिंग की बात कर लें, एक्टिंग इस मूवी की, हार्ली क्विन जो है मार्गरेट रॉबी, उन्होंने कमाल की एक्टिंग करी है। इसके अलावा जो मेन लीड थी, हाँ सबसे अच्छी चीज़ इस मूवी की ये थी कि ये टोटली वुमेन लेड मूवी है, एक वुमेन टीम की कहानी है, यहाँ पे टीम वर्क की कहानी है और एक पूरी वुमेन टीम है, वो लड़ती है बहुत सारे गुंडों से, किस तरह से लड़ती है उस चीज़ को बताया गया है यहाँ पे, वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही एंटरटेनिंग मूवी है। लास्ट के जो 40 मिनट्स हैं वो इस मूवी की सबसे अच्छी चीज़ है, आखिरी के 40 मिनट बिल्कुल भी मिस नहीं करे जा सकते हैं। एक्टिंग बात हो गई, डायरेक्शन वाइज भी इस मूवी का डायरेक्शन बहुत अच्छा है। अगर आप पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए रुक रहे हैं तो बिल्कुल मत रुकिए, क्योंकि हार्ली क्विन आपकी बहुत बड़ी बेइज्जती करने वाली है। अगर आप रुकेंगे तो आपको बहुत सुनने को मिलेगा हार्ली क्विन से कि क्यों रुके हुए हो एंड एटसेट्रा एंड द स्टफ, तो प्लीज़ मत रुकिएगा पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए। बस इतना ही था इस वीडियो में, इस मूवी को मैं देता हूँ 4 out of 5 stars। ये मूवी मस्ट वॉच है उन सभी के लिए जो डीसी कॉमिक्स या ऐसी मूवीज को पसंद करते हैं। अगर आपने पहले की कोई मूवी नहीं देखी तो भी आपको बर्ड्स ऑफ प्रे समझ में आ जाएगी, तो प्लीज़ जाओ एंजॉय करके आओ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, सब्सक्राइब का बटन दबाए बिना बिल्कुल भी मत जाना, और मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बी हैप्पी बी सेफ, अपना ख्याल रखो, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखो, जानवरों का ख्याल रखो, एनवायरनमेंट का ख्याल रखो। जय हिंद, जय सिनेमा।